सरकार के नुमाइंदे जनता के पैसों की किस तरह से बंदरबांट करने में लगे हुए हैं, इस बात का अंदाजा रुड़की लोक निर्माण विभाग और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अधिकारियों की मिलीभगत से साफ तौर से लगाया जा सकता है। आपको बता दें कि झबरेड़ा विधानसभा क्षेत्र के गांव कोटवाल आलमपुर से बसवा खेड़ी जाने वाले मार्ग पर अब से 5 महीने पहले ही 2 किलोमीटर के मार्ग का निर्माण रुड़की लोक निर्माण विभाग द्वारा कराया गया था और इस निर्माण का पेमेंट भी कुछ समय पहले ही विभाग द्वारा ठेकेदार को कर दिया गया था, पर मार्ग की सही हालात होने के बावजूद PMGSY विभाग द्वारा इस मार्ग को तोड़कर दोबारा निर्माण शुरू कर दिया गया है, जिसका विरोध स्थानीय ग्रामीणों द्वारा किया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि अच्छे खासी सड़क को तोड़कर दोबारा बनाया जा रहा है, जबकि हाल ही में इस सड़क का निर्माण किया गया था। वहीं जब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के जेई से इस बारे में जानकारी लेनी चाहिए तो उन्होंने कहीं भार होने की बात कहकर मामले से बचने का प्रयास किया। वहीं संबंधित मामले में लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता से जानकारी लेनी चाहिए तो उनका कहना है कि यह सड़क कुछ ही दिनों पहले उनके विभाग द्वारा बनाई गई थी, इसकी लागत 1.25 करोड़ रुपए से करीब रही होगी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत इसे बनवाया जा रहा है, वहीं और किसी तरह की कोई भी कार्रवाई करने की कोई बात नहीं की गई। ये रोड 3-4 महीने पहले यहाँ से जो बना रहे थे गांव वाले सैकड़ों आदमी प्रधान जी भी थे, इस पर आपत्ति करी थी कि भाई यो सड़क परेश की बड़ी बेहतरीन बनी हुई, इसे क्यों उखाड़ रहे। तो दोबारा उन्होंने इसे उखाड़ कर दोबारा फिर बना रहे, इस पैसे को जनता के पैसे को बर्बाद कर रहे। गांव में 3-4 जगह जरूरत हो, वहाँ से यो पैसा लगता है, इनको डोकपुरी में पानी भरा पड़ा गोड्डो उनको जोड़ की तरफ शेरपुर की तरफ जो सैम्पर की तरफ जोड़ वो जरूरत है इसकी सड़क की, तो इसे गलत पैसा लगा रहे, गलत यूज कर रहे पैसे का। यो बनना ना चाहिए था, लेकिन अगर यो बन रहा तो गांव में तो जरूरत हो, जनता का पैसा बर्बाद कर रही सरकार, इसकी कोई जरूरत नहीं थी दोबारा बनाने की। बेहतरीन सड़क थी, इस पर आपत्ति भी करी थी लेकिन किसी ने नहीं सुनी। प्रधान जी कहीं बाहर गए हुए तो मैं आ गया, मुझे भेजा प्रधान जी। राज्य योजना में PWD ने बनाई थी, काफ़ी टाइम हो गया उस सड़क को। उसके बाद जो मेरी जानकारी में है वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जो फेज़ 3 है वो पूरे प्रदेश में चल रहा है, तो संभवतः वो उसमें उन्होंने उसकी उसको लिया होगा, इस कारण वो काम वहाँ चल रहा है। ये सिर्फ एक सड़क नहीं है, हमारे यहाँ रुड़की डिवीज़न में और भी सड़कें हैं जो PMGSY कर रहा है, तो उसमें जो है फेज़ 3 का मतलब यह है कि उसका उच्चीकरण होता है वो। तो हमने जब बनाई थी तो वो प्रीमिक्स कारपेट से बनाई थी, PC करी थी उसमें, तो मुझे लगता है कि अब जो PMGSY वाले जो करेंगे वो शायद उसकी सरफेस को इम्प्रूव करेंगे BMSDBC से। तो ये फेज़ 3 की सेंक्शंस हैं, इसमें PWD का तो कोई रोल है नहीं, और PMGSY में सड़कें वो अपने हिसाब से आबादी के हिसाब से, और उसका पूरा एक क्राइटेरिया है वो कौन सी सड़क को लेना है, वो इसके एक पूरी जाँच होती है तब वो सड़कें सेलेक्ट होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो कोई उन्होंने अचानक ही कर दिया। जब सर आपके द्वारा रोड बनाई गई थी PWD के द्वारा, तो क्या कितनी लागत थी इसकी रोड की? अब लागत तो इस समय राज्य योजना में सड़क थी तो 2.5 किलोमीटर की सड़क है, वो लगभग 1 करोड़ के करीब थी, 1.25 करोड़ के करीब।